रूस और यूक्रेन की जंग पर यह बड़ी खबर है। पुतिन के नए ऐलान के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन का बयान भी सामने आया है। संयुक्त राष्ट्र आम सभा में बोलते हुए राष्ट्रपति बाइडेन ने पुतिन पर तीखा हमला बोला। परमाणु बम वाले बयान पर बाइडेन ने पुतिन को घेरा। उन्होंने कहा कि परमाणु बम वाली जंग कभी जीती नहीं जा सकती। उन्होंने ये भी कहा कि परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। वहीं पूर्वी यूक्रेन में जनमत संग्रह कराने के पुतिन के ऐलान को भी उन्होंने शर्मनाक बताया है। यूएनजीए से पुतिन को बाइडेन ने जवाब दिया है, उल्लंघन का आरोप लगाया और साथ ही साथ जनमत संग्रह के ऐलान को शर्मनाक भी कहा है। No matter what else is happening in the world, the United States is ready to pursue critical arms control measures. A nuclear war cannot be won and must never be fought. पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वो ताइवान के मुद्दे पर उससे उलझकर आग से खेल रहा है, क्योंकि पेलोसी हो या ताइवान यात्रा पर जाने वाला अमेरिका का दूसरा प्रतिनिधिमंडल, सभी ने ताइवान से दोस्ती निभाने का पक्का वादा किया है और लगातार उसे इस बात का एहसास भी दिलाया जा रहा है कि चीन के खिलाफ अमेरिका ताइवान के साथ है। खुलेआम ताइवान स्ट्रेट में अपना जंगी जहाज भेजकर अमेरिका ने यह बात साबित भी की, जिससे चीन की धड़कनें बढ़ गईं। उसकी नौसेना उसी समय से अलर्ट है जब से उसे अमेरिकी युद्धपोत के ताइवान स्ट्रेट की ओर बढ़ने की खबर मिली है। यही बात चीन की घबराहट का सबूत है। वो अलग बात है कि चीन ने अपनी घबराहट को छिपाने के लिए अमेरिका के इस कदम को पब्लिक हाइप बोल दिया, लेकिन हकीकत यह है कि चीन डरा हुआ है, क्योंकि यूएसएस हिंगिस कोई ऐसा वैसा युद्धपोत नहीं बल्कि मल्टी मिशन डिस्ट्रॉयर है। यानी वो एक बार में कई जगह तबाही मचा सकता है और इसका इस्तेमाल हवाई, समुन्दर और जमीन से होने वाले हमलों को रोकने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये एंटी एयर और एंटी सबमरीन डिफेंस सिस्टम से लैस है। इससे पहले अमेरिका और कनाडा के युद्धपोत 11 महीने पहले ताइवान स्ट्रेट से गुजरे थे, लेकिन तब बात और थी और अब और है, क्योंकि ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका और चीन एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं। इसीलिए अमेरिका लगातार ऐसे काम कर रहा है जिनसे चीन के पसीने छूट जाएं। इस बीच सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों से संकेत मिले कि चीन साउथ चाइना सी में अंडर वाटर ड्रोन उतारने की प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि इन तस्वीरों में चीन के नेवल बेस पर 2 मानव रहित अंडर वाटर ड्रोन देखे गए और माना जा रहा है कि चीन अपने ये ड्रोन जल्द ही साउथ चाइना सी में उतार देगा। मतलब ये कि सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों ने चीन की चोरी पकड़ ली और दुनिया को बता दिया कि चीन समंदर के अंदर मानव रहित ड्रोन भेजने वाला है, जो चीन के दुश्मनों के लिए खतरे की घंटी है। क्योंकि खबर है कि साउथ चाइना सी में स्थित चीन के हेनान द्वीप पर बने नेवल बेस पर 2 मानव रहित अंडरवाटर ड्रोन देखे गए हैं, जिन्हें वो बहुत जल्द दुश्मनों के खिलाफ अपने प्लान का हिस्सा बना सकता है और समंदर के अंदर भेज सकता है। चीन को जवाब देने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सेना फिजी में मिलिट्री ड्रिल कर रही है, ताकि अगर चीन ने दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में दादागिरी दिखाने की कोशिश की तो उसे करारा जवाब दिया जा सके। क्योंकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि चीन अब दक्षिण प्रशांत महासागर में मौजूद द्वीपों पर भी कब्जा जमाने की फिराक में है। यही वजह है कि अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने चीन को पस्त करने के लिए चौकड़ी तैयार कर ली। इन चारों देशों ने मिलकर दक्षिण प्रशांत महासागर में मौजूद देश फिजी में 12 सितंबर से एक सैन्य अभ्यास शुरू किया। इसका एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें चारों देशों की सेनाएं जंगल में दुश्मन को घेरने और उस पर हमला करने की ताकत परखती दिखी। बताया गया कि ये सैन्य अभ्यास 23 सितंबर तक चलेगा। मतलब यह कि इस मिलिट्री ड्रिल में चारों देशों की सेना चीन को चित करने की रणनीति बनाने और उसे परखने में जुटी है। असल में चीन और अमेरिका दोनों की नजर दक्षिण प्रशांत महासागर के द्वीपों पर है और दोनों ही देश समंदर में मौजूद इन द्वीपों को अपने पाले में करना चाहते हैं। दक्षिण प्रशांत महासागर में फिजी, सोलोमन आइलैंड्स और किरीबाती जैसे छोटे छोटे कई देश हैं। भौगोलिक स्थिति की वजह से इन देशों की अहमियत बढ़ जाती है और इसी वजह से चीन इन पर नजर गड़ाए बैठा है। यहाँ तक कि चीन ने इन देशों के साथ सुरक्षा समझौता करने की कोशिश भी की थी, लेकिन किसी भी देश ने उसकी बात नहीं मानी, जो अमेरिका के लिए राहत की बात है, क्योंकि अमेरिका ये जानता है कि चीन इन द्वीपों पर न सिर्फ कब्जा जमाएगा बल्कि वहां से वो उसके ठिकानों को निशाना भी बना सकता है।